गाइस, आई एम विशाल, वेलकम टू बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। गाइस, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूजेटी एक्ट एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस करा था यूजेटी, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, वीआई कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो मेन टॉपिक है वो है यूजेटी एक्ट एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। सो गाइस, लास्ट वीडियो में हम डिटेल में देख चुके हैं, तो इतना जो हम देख रहे हैं, ये जो इतना पार्ट है हमारा, ये हमारा यूजेटी है। सो गाइस, रिलैक्सेशन ऑसिलेटर जो है वो ये जो आपका यूजेटी एक्ट करता है एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। अभी आप देखेंगे कि एक टाइम पर जो यूजेटी ऑफ होगा, एक टाइम पर यूजेटी ऑन होगा, फिर हमें स्पाइक मिलेगी, फिर ऑफ होगा, फिर ऑन होगा। सो गाइस, अभी आप इसकी वर्किंग देखेंगे। तो इतना पार्ट तो हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं अपने लास्ट वीडियो में। तो यूजेटी को रिलैक्सेशन ऑसिलेटर में कन्वर्ट करने के लिए कुछ एक्सटर्नल सर्किट लगता है। सो गाइस, ये जो यूजेटी है इसमें मैंने एक कैपेसिटर भी लगाया है सी, और जो RB2 है इसके साथ मैंने एक वेरिएबल रेजिस्टेंस लगाया है RE, जिसको हम कॉमन वोल्टेज देंगे VBB, और नीचे इसको हमने ग्राउंड करा है। तो ये जो तीन कंपोनेंट है, ये एक्स्ट्रा लगाए जाते हैं जब भी आप UJT को कन्वर्ट करते हैं एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। अब जो रिलैक्सेशन ऑसिलेटर कहाँ पर यूज़ होता है, सो गाइस, ये होता है आपके थायरिस्टर के, जब हम ट्रिगरिंग कराते हैं काफ़ी जगह, जो आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में होते हैं जो UJT है वो काफ़ी जो यूज़ किया जाता है। सो गाइस, अब क्या होता है कि जो कैपेसिटर है, जब भी आप VBB वोल्टेज अप्लाई करेंगे इसके अक्रॉस, तो जो आपका कैपेसिटर वो चार्ज होगा विद द हेल्प ऑफ RE। तो जब भी हम VBB को प्रोवाइड करेंगे तो क्या होगा, कैपेसिटर जो होगा वो चार्ज होगा किसके, विद द हेल्प ऑफ RE रेजिस्टेंस। और सब गाइस, जब आप इसको ऑफ करेंगे, VBB जब हटा देंगे, ऑफ हो जाएगा, तो उस केस में क्या होगा, कैपेसिटर जो है आपका डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज किसके अक्रॉस, RB1 के अक्रॉस। सो गाइस, अभी तो हमने थ्योरेटिकल समझा, अब हम अकॉर्डिंग टू इसके जो वेवफॉर्म होती है उसके अकॉर्डिंग समझते हैं। सो गाइस, यहाँ पर जो है ये वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर है। अब मैंने आपको बताया था, जब आपने इसको ऑन करा तो कैपेसिटर चार्ज होगा, एक पर्टिकुलर पॉइंट तक जाके कैपेसिटर की जो वोल्टेज है वो हो जाएगी, मीन्स एक पॉइंट पर ये स्टार्ट हुआ चार्ज होना, और इस पॉइंट पर जाके इसने अपनी मैक्सिमम वैल्यू अटेन कर ली। तो इस पॉइंट पर जो ये पॉइंट है, इसे कहते हैं हम पीक पॉइंट। और गाइस, अब क्या है कि जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होगा उस समय आपकी ये वोल्टेज हट जाएगी। अब जो कैपेसिटर है वो डिस्चार्ज होगा आरबी के अक्रॉस, तो कैपेसिटर जो डिस्चार्ज होगा वो आरबी के अक्रॉस डिस्चार्ज होगा, मीन्स जो कैपेसिटर का जो करंट है, वोल्टेज जो है वो डिक्रीज होगी। अब कैपेसिटर इस पॉइंट पर जाके डिस्चार्ज होगा। सो गाइस, इस पॉइंट को हम कह रहे थे पीक पॉइंट, ये है आपका पीक पॉइंट। और ये जो पॉइंट था, इस पॉइंट पर जाके जो कैपेसिटर की वैल्यू है वो जीरो हो चुकी है, इस पॉइंट को कहते हैं हम वैली पॉइंट। सो गाइस, अब क्या था, आपका कैपेसिटर जब ऑन चार्ज हो रहा था उस समय आपका यूजेटी ऑफ था, मींस इस कंडीशन में अगर वोल्टेज अक्रॉस यूजेटी बात करें, वोल्टेज अक्रॉस RB1 देखें, तो जब ये चार्ज हो रहा था आपका कैपेसिटर, जब चार्ज हो रहा था तो ये वर्किंग में नहीं था, मींस इस समय कोई भी आपका ये वर्किंग में नहीं है। बट जैसे ये डिस्चार्ज हुआ इसके अक्रॉस, तो यूजेटी वर्किंग में आ गया, मींस इस पॉइंट पर जाके आपको एक स्पाइक मिलेगी कुछ इस तरह। तो जो वर्किंग होती है UJT की, हमने लास्ट वीडियो में भी देखा था, पीक पॉइंट से वैली पॉइंट के बीच में ही होती है। फिर ये अपने एक नेक्स्ट साइकिल पर ये चार्ज होगा, ये कुछ इस तरह से चार्ज होगा, फिर आपको एक पीक पॉइंट मिलेगा, फिर ये नीचे, फिर ये पॉइंट पर जाके डिस्चार्ज होगा, फिर आपका जो UJT है फिर इस कंडीशन में, चार्जिंग कंडीशन में ऑफ रहेगा, फिर ये तब ये चार्ज हो जाएगा, जब ये डिस्चार्ज होगा फिर ये आपका ऑन हो जाएगा UJT। तो इस पॉइंट पर को हम कहते हैं जो टाइम है टोटल, ये टोटल टाइम है टी, मीन्स इस टाइम पर चार्जिंग भी हो रही है, डिस्चार्जिंग भी हो रही है। और इस पॉइंट पर जो आपका UJT है वो ऑफ है, इस टाइम पर आपका UJT जो है वो ऑन है, इस टाइम पर UJT ऑफ है, इस टाइम पर UJT आपका ऑन है। सो मीन्स ये जो हमें देख रहे हैं कि जो हमारा जो वर्किंग है UJT के, एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर हो रही है, मीन्स एक पॉइंट पर जाकर आपका जो UJT ऑफ हो रहा है, फिर ऑन हो रहा है, ऑफ हो रहा है, ऑन हो रहा है। ये था आपका UJT एज अ एक्ट एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। सो गाइस, ये कुछ इंपॉर्टेंट है, क्या है कि जब भी आपका UJT टर्न ऑन होगा उस केस में क्या होगा, जो आपकी RE की जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो लेस होगी VBB से माइनस VD अपॉन IP। IP क्या है, IP है आपका पीक करंट, मैंने बताया था ना पीक वोल्टेज, ऐसी होता है आपका पीक करंट। इस पॉइंट पर जो आपकी वोल्टेज और पीक वोल्टेज है, ऐसे ही आपका पीक करंट है। तो VBB माइनस VD डिवाइड बाई VP की जो RE की वैल्यू होगी वो कम होगी, इसकी वैल्यू जब इससे कम होगी तो आपका जो UJT है वो ऑफ रहेगा, और जब आपकी ये इसकी वैल्यू जब इक्वल हो जाएगी इसके, तो जो आपका UJT है वो ऑन हो जाएगा। सो गाइस, ये था कुछ बेसिक्स ऑफ UJT एक्ट एज अ रिलैक्सेशन ऑसिलेटर। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, उधर भी आपके एजुकेशन से रिलेटेड, आपके नॉलेज से रिलेटेड पोस्ट और वीडियोज अपलोड करते रहते हैं।
थैंक यू।